ठीक है, अब बात करें हम लोग थर्ड ऑर्डर, यहां तक कर चुके थे ठीक है। तो हम लोग क्लर्जी और नोबिलिटी, नोबिलिटी से स्टार्ट किए थे क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम फ्यूडलिज्म के बारे में बात करता है। तो फ्यूडलिज्म के बारे में बात किए, वहां से शुरू किए, फिर हम लोग बात किए प्रीस्ट। तो प्रीस्ट और आपका जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट था, वो दोनों प्रिविलेज स्टेट था। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? कुछ स्पेशल स्टेटस किसी को दिया रहता है, कुछ विशेषाधिकार दिया रहता है, तो वो प्रिविलेज हो गया। तो दोनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट हो या सेकंड स्टेट, हमने देखा कि इन लोगों को तो टैक्स देना नहीं पड़ता था, इन लोग उल्टा टैक्स लेते थे, और सारे टैक्स का बोझ किस पे रहता था? पेजेंट्री पे, थर्ड स्टेट। तो अब बात करें थर्ड ऑर्डर, पेजेंट फ्री एंड अनफ्री। अब पेजेंट में भी कैटेगरी देखे हम, तो पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे जब हम लोग फ्यूडलिज्म बात कर रहे थे, तो यहां पे भी हम देखते हैं कि कल्टीवेटर्स वर ऑफ टू काइंड्स, एक आपका था फ्री पेजेंट्स और दूसरा सर्फ्स। सर्फ्स पहले भी बताया, जैसे नौकर है राइट, जिस सर्फ आया किससे? टू सर्व से, जो सर्व करता है उसको सर्फ कहेंगे। तो ये दो कैटेगरी, पहला क्या हो गया? फ्री पेजेंट राइट, तो फ्री पेजेंट का अपना लैंड होगा, सर्फ का अपना लैंड नहीं होगा। सबसे बेसिक डिफरेंस, जिसका अपना जमीन होगा वो फ्री पेजेंट है, और जो सर्फ है मतलब उनका अपना लैंड नहीं होगा। क्लियर, ये समझ में आया? अब बात करें कि फ्री पेजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड, लेकिन सब कुछ किसके अंदर आता है? जैसे राजा है, तो राजा के अंदर सारे, सब कुछ राजा के अंदर है। राजा क्या किया? नोबल को दिया, मतलब नोबल के अंदर है, पर माना जाएगा कि राजा सबका मालिक है, नोबल जितना बड़ा एरिया है उसका मालिक है, जितना उसके पास है। तो ये पूरा का पूरा सारा जो होगा वो सब क्या होगा? राजा के अंदर है, तो एक तरह से वो टेनेंट कहलाए। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, ठीक है। लैंड आपका अपना है, आपकी अपनी जमीन है, लेकिन क्या है आप काउंट क्या होगा कि यू आर टेनेंट ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड के आप टेनेंट है। लॉर्ड क्या हो गया? वही नोबिलिटी है, लैंड लॉर्ड। तो ये क्या करेंगे? ये इनका अपना लैंड होगा, लेकिन टेनेंट क्या करता है? रेंट पे करता है, किराया देता है, तो उसी तरह किराया देते थे। द मैन हैड टू रेंड अ मिलिट्री सर्विस, पहले भी हम बताए थे कि अब किसान है, उन लोगों को किस तरह से काम करना पड़ता था? फुट सोल्जर्स की तरह, जब जरूरत पड़ा तो मिलिट्री वाला काम करेंगे। क्लियर, एटलीस्ट 40 डेज एवरी ईयर, कम से कम हर एक साल 40 दिन तक वो क्या करेंगे? मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। पेजेंट फैमिलीज हैड टू सेट असाइड सर्टेन डेज ऑफ द वीक, यूजुअली 3 बट ऑफन मोर। अब जैसे हफ्ते का 3 दिन या उससे भी ज्यादा कभी कभी इतना करना पड़ता था, जैसे हम किसान हैं अपनी खेती कर रहे हैं, उसके बावजूद हमको क्या करना पड़ेगा? 3 दिन अलग से रखना पड़ेगा। वो किस लिए रखना पड़ेगा? उसके यहाँ काम करने के लिए, लॉर्ड के यहाँ। व्हेन दे वुड गो टू द लॉर्ड्स स्टेट, लॉर्ड्स स्टेट कौन होता है? इसी को कहते हैं मेनोरियल स्टेट। क्लियर, जिसमें मेनर का घर होता है और वो पूरा एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है? मेनोरियल स्टेट। तो बाकी तो अपने अपने खेत में तो किसानी किए ही, काम किए ही, और 3 दिन अलग से रख दिए कि उस 3 दिन वो क्या करेंगे? वहां जाएंगे और वहां काम करेंगे। क्लियर, द आउटपुट फ्रॉम सच लेबर कॉल्ड लेबर रेंट, और इसका जो आउटपुट आता है वो लेबर रेंट कहलाता था। ठीक है, लेबर करके हमने रेंट दे दिया। ठीक है, मेरा अपना जमीन है, हम कुछ रेंट ऐसे नहीं दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? काम करके रेंट पे कर दे रहे हैं, मतलब जो लेबर हम कर रहे हैं काइंड ऑफ लॉर्ड का प्रोटेक्शन का हमने पे कर दिया। वुड गो डायरेक्टली टू द लॉर्ड, ये डायरेक्टली किसको जाता था? लॉर्ड को जाता था। इसके अलावा इन एडिशन दे कुड बी रिक्वायर्ड टू डू अदर अनपेड लेबर सर्विसेज, जैसे कहीं रास्ता बनाना है, क्लियर, डिगिंग डिचेस गड्ढा खोदना है, लकड़ी लाना है जलाने के लिए, फेंसेस बनाना है, जो बाउंड्री है वो बनाना है,
और रोड रिपेयर करना है, बिल्डिंग रिपेयर करना है, ये सब भी करते थे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, पीछे वो नहीं, समझ में आया? तो और क्या करते थे? रिपेयर करने का भी काम करते थे। ये सब मतलब अदर लेबर सर्विसेज उनको करना होता था, फ्री पेजेंट है उसके बावजूद। बिसाइड्स हेल्पिंग इन द फील्ड्स, अब महिलाओं और बच्चों को अलग से काम करना पड़ता था। जैसे वो क्या करते थे? धागा स्पिन किए, ठीक है, कपड़ा बिने, मेड कैंडल्स बनाए, वूव क्लॉथ, मेड कैंडल्स एंड प्रेस्ड ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज। याद होगा आपको, जब हम बता रहे थे मैन्यूरियल स्टेट दिखाए थे, तो उन सब का ऑलिव प्रेसेस और वाइन प्रेसेस होता ही होता था। तो वाइन प्रेसेस में ग्रेप्स को प्रेस करने का काम कौन करता था? महिलाएं और बच्चे। क्लियर? अब इसके अलावा क्या था? देयर वॉज वन डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल दैट किंग समटाइम्स इम्पोज्ड ऑन पेजेंट्स, द क्लर्जी एंड नोबल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग दिस। तुमको कितना टैक्स मिला टोटल? एक तो टिथ, जो चर्च को भी एक होता था। क्लियर? फिर क्या होता है, लेबर रेंट की तरह टैक्स पे कर रहे हैं लेबर करके, काम करके। उसके अलावा जो जो अलग अलग काम दिया जाता था, गड्ढे खोदना, सड़क बनाना, ये सारा काम अलग से करते थे। और इसके बाद राजा कभी कभी सीधे टैक्स लगाता था, उसको क्या कहते थे? टेल। वह राज्य की तरफ से सबको टैक्स लगता था, लेकिन उस टैक्स में नोबल्स और क्लर्जी एग्जेम्प्टेड रहते थे, मतलब इनको टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स कौन देगा? पेजेंट्री। और ये अमाउंट फिक्स नहीं था, राजा को जैसा जरूरत पड़ा और राजा के डिस्क्रिप्शन पे होता था कि राजा कितना भी टैक्स लगा दे। क्लियर? तो हमको इतना टैक्स दिख रहा है और क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स देने से एग्जेम्प्टेड रहते थे। क्लियर है? टिथ कितना होता था? टिथ कितना होता था? हाँ, टिथ 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब 10% आपको दे देना है, जितना उगाए 10% दे देना है, वो चर्च को जाता था। ठीक है, टेल जो जाता था वो कितना होता था? टेल कितना होता था? 1/10। ये फिक्स नहीं था, वेरिएबल था। क्लियर? मतलब कभी भी कितना भी लगा सकता था राजा। फाइन। तो यहां हमने देखा क्या क्या चीज देख ली है, कि फ्री पेजेंट और सर्फ, फ्री पेजेंट को क्या करना पड़ता था? 3 दिन काम करने के लिए जाना पड़ता था, कम से कम 3 दिन वो सेट असाइड करते थे अपने खेत में, तो किया ही, और वो एक तरह से टेनेंट्स हुए लॉर्ड के। 3 दिन काम करने जाना रहता था। इसके अलावा क्या करना होता था? गड्ढा खोदना, कुछ भी रिपेयर का काम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड का रिपेयर, ये सारा काम करते थे। लेबर के फॉर्म में वो टैक्स एक तरह से पे कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को क्या काम करना पड़ता था? ठीक है, वाइन तो बनाना होता ही था, राइट? उसके अलावा क्या करना होता था? धागा निकालना, स्पिन करना धागा, और कपड़ा बिनना। क्लियर? अब यहां पे हम बात करें सर्फ्स कल्टीवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब सर्फ्स का केस क्या होता था, कि सर्फ भी क्या करते थे? कल्टीवेशन करते थे, पर इनका अपना लैंड तो था नहीं, सर्फ्स के पास अपनी जमीन नहीं होती थी। तो सर्फ्स कल्टीवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड, राइट? मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड। अब उनके जमीन पे ही सिर्फ खेती करते थे, उनको भी काम करना पड़ता था, ठीक है? वो जैसे इसी तरह के कल्टीवेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो जो वर्किंग पॉपुलेशन जो भी है, तो बुजुर्ग जैसे हैं, तो बुजुर्ग आज भी क्या होता है, बुजुर्ग क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? हाँ, ठीक है, बात सही है, बात सही है। तो उनको सर्व कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? बुजुर्गों का बाल बच्चा रखेगा, वैसे ही उस समय भी था, वैसे ही उस समय भी था, ठीक है? हाँ, ठीक है। एनी विच वेज, यहां पे हम लोग बात करें, अरे दादाजी क्या करते नहीं करते वो छोड़िए ना आप। हाँ,
हाँ तो लगान में भी, हाँ जो भी होगा, जो बुजुर्ग हैं ऑब्वियस ही बात है उनके पास अनुभव है, वो उस अनुभव को शेयर करेंगे, यही करेंगे। और वो काम नहीं करेंगे, उनके घर वाले तो काम करेंगे, वही चीज उस समय भी था, कोई ऐसा कुछ अजूबा नहीं है। अब हम सर्व्स की बात कर रहे हैं कि सर्व क्या करते हैं, कि कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड, वो लॉर्ड के खेत मतलब मेनोरियल स्टेट में वहां पे वो काम करते थे। दे ऑल्सो हैड टू वर्क ऑन द लैंड विच बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू द लॉर्ड, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली लॉर्ड का था, सिर्फ लॉर्ड का, वहां भी काम करते थे। दे रिसीव नो वेजेस, ऑब्वियस ही बात है उनको कोई वेज नहीं मिलता था सर्व्स को, क्लियर। एंड कुड नॉट लीव द स्टेट विदाउट द लॉर्ड्स परमिशन, लॉर्ड के परमिशन के बिना वो स्टेट के बाहर नहीं जा सकते थे, रिस्ट्रिक्शन था, एक तरह से वो बॉन्डेड थे, क्या उसी परिधि में रहना होगा, उसके बाहर नहीं। हाँ, लॉर्ड के एरिया मेनोरियल स्टेट के बाहर नहीं जाएंगे, क्या पूछ रहे थे? हाँ, बंधन में रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे, क्लियर। द लॉर्ड क्लेम्ड अ नंबर ऑफ मोनोपोलीज एट द एक्सपेंस ऑफ हिज सर्व्स, अपने सर्व्स के एक्सपेंस पे बहुत सारा मोनोपोलीज रखते थे। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सुना होगा ये वर्ड, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? हाँ, एकाधिकार, एक्सक्लूसिव राइट्स, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब सिर्फ आपका अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है, एकाधिकार और एक्सक्लूसिव राइट्स, तो वो मोनोपोली। जैसे कहते हैं ना कि इंटरनेट पे गूगल का मोनोपोली है, कहते हैं, क्लियर। बाकी सर्च इंजन कितना है, 2-3%, चाहे बिंग हो, एमएसएन हो, कोई भी, लेकिन मोर देन 95% इनफैक्ट गूगल है। तो ये क्या हो गया, मोनोपोली, गूगल जैसे चाहेगा वैसे उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जो वो बताएगा उसको फॉलो करना पड़ेगा किसी भी हाल में इंटरनेट में, इजंट इट। तो वही चीज है, जैसे लॉर्ड करेगा वैसे ही करना पड़ेगा। सर्व्स कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मिल टू ग्रिंड देयर फ्लावर, हिज ओवन टू बेक देयर ब्रेड एंड हिज वाइन प्रेसेस टू डिस्टिल वाइन एंड बियर, ठीक है। अब ये कहीं और इनको आटा पिसवाना हो उन्हीं के मिल में करेंगे, क्लियर। हाँ, फ्लावर ब्रेड के लिए, फिर क्या करना है, बेक भी करना है ब्रेड, तो ओवन में, किसके, लॉर्ड के ओवन में, जो लॉर्ड के ओवन कहने का मतलब जो सार्वजनिक है, वो किसी का पर्सनल नहीं है, सबका है। मान लीजिए ये ओवन है लॉर्ड का, वहां पे सबको, लॉर्ड का पर्सनल किचन की बात नहीं कर रहे हैं, तो लॉर्ड के अंदर जो ओवन है ओपन, उसके अंदर इनको करना होता था मैंडेटरी। और उन्हीं के वाइन प्रेस में ये क्या करते थे, वाइन को डिस्टिल करते थे। तो वाइन का डिस्टिलेशन या किसी चीज का डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, एनीवन, डिस्टिलेशन क्या होता है, किसी चीज को प्यूरिफाई करते हैं आप, तो कैसे करेंगे, जैसे लिक्विड होता है तो आप क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, इवेपोरेट हो जाएगा उसका जो वेपर बनेगा, जो इंप्योरिटी निकल जाएगा उसका जो वेपर बनेगा उसको ठंडा करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो साफ हो जाएगा, वो प्योर हो गया। हाँ, उसमें भी ऐसे ही होगा। हाँ, अच्छा, हो सकता है, तो हो सकता है, देखे होंगे, पर वो जो लोकल होता है वो खतरनाक होता है, पर हाँ इसी तरह उसी में कुछ गड़बड़ हो जाता है, आदमी फिर जहरीला शराब हो जाता है, मर जाता है। द लॉर्ड कुड डिसाइड हुम अ सर्व शुड मैरी, अब इनका मोनोपोली है, इनका अधिकार है, तो ये डिसाइड करते हैं कि किससे शादी करना है तुमको, क्लियर। और माइट गिव हिज ब्लेसिंग्स टू द सर्व चॉइस, लेकिन अगर सर्व का कोई अपना चॉइस है उसको अगर चाहे तो उसको भी ब्लेसिंग दे देते थे लॉर्ड, क्लियर। बट ऑन पेमेंट ऑफ अ फी, लेकिन क्या करते थे, फी पे करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, got it, is it clear? अब आगे चलते हैं, तो ये थर्ड स्टेट का समझ में आया, मेन ये आपको थर्ड ऑर्डर का देखना था कि जो किसान है दो कैटेगरी में, फ्री पेजेंट और सर्व। फ्री पेजेंट का अपना लैंड होता था लेकिन
वो क्या करने, उनको तीन दिन रखना पड़ता था वहां काम करने, लेबर के रूप में वो क्या करते थे, लेबर रेंट पे करते थे, दैट वॉज नोन एज लेबर रेंट। और जो सर्फ होते थे उनको वेजेस नहीं मिलता था, उसी के एरिया में काम करना, उसी का खाना होता था, सब कुछ उसी का। क्या क्या सर्फ का मतलब सर्वेंट से आया, जो सर्व है। किसान का दो कैटेगरी, पहले ही बताएं, सर्फ वो कैटेगरी के हुए जिनके पास अपना लैंड नहीं है, क्लियर, नौकरी हुए वो, क्लियर। सर्वेंट से ही आया, सर्व करने से आया। सर्फ का अपना लैंड नहीं होगा और फ्री पेजेंट का अपना लैंड होगा। सर्फ केवल लॉर्ड के खेत में खेती करेंगे, फ्री पेजेंट जो होगा अपने खेत में तो खेती करेंगे, तीन दिन अलग रखेंगे, लॉर्ड के यहां भी जाके काम करेंगे, क्लियर। वेजेस नहीं देते, अधिकतर हिस्सा, हाँ कुछ मिलता था, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कुछ हिस्सा मिलता था, क्लियर। क्या हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे चलें। अब फ्यूडलिज्म जो है, जो डेवलप हुआ, यहां पे हम लोग पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस की बात कर रहे हैं, या फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी। इंग्लैंड में जो डेवलप हुआ फ्यूडलिज्म, वो कब डेवलप हुआ, 11th सेंचुरी में, 11वीं सदी में। फ्यूडलिज्म शुरू से ही बताएं क्या था, एक सिस्टम जो लैंड का सिस्टम था, लैंडलॉर्ड्स के थ्रू सारा काम होता था, लैंडलॉर्ड्स मालिक होते थे, जो नोबल्स होते थे, और वो टैक्स कलेक्शन करते थे, क्लियर, और वो प्रोटेक्टर होते थे, 6.5% 7%, क्या क्या कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 6.5-7% होता है, ज्यादा नहीं होता है, क्या जरूर लगता है। द एंगल्स एंड सैक्सन्स फ्रॉम सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड इन द 6th सेंचुरी। अब ये जो दो, ठीक है, दो किंगडम्स थे, एंगल्स और सैक्सन्स, क्लियर। ये एंगल्स और सैक्सन्स जो हैं सेंट्रल यूरोप के ट्राइब्स थे, और ये ग्रुप था, रूलर्स थे, ये लोग हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड इन द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में ये कहां आ गए, इंग्लैंड में रहने, राइट। एंग्लियंस और सैक्सन्स जो थे वो इंग्लैंड में आके सेटल हो गए, सेंट्रल यूरोप से आए थे, क्लियर। क्या हुआ, यस, अब ये देखते हैं, कंट्री का नाम इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड एक्चुअली इसी से पड़ा, एंगल से, इंग्लैंड नाम जो पड़ा एंगल लैंड, राइट, मतलब एंगल का लैंड क्या बन गया, इंग्लैंड, क्लियर, एंगल का लैंड, हाँ, जमीन का वो नहीं, वो कोण नहीं है, फिर से समझिए, ये कोण नहीं है, जो ये एंगल्स नाम है, क्लियर, किसका, एक वंश का, जो रूलर्स होते थे, तो एक ग्रुप था एंगल्स का ग्रुप, और एक हो गया सैक्सन, एंगल्स और सैक्सन सेंट्रल यूरोप के ट्राइब्स थे, वो आए कहां, इंग्लैंड में, जो आज का इंग्लैंड, वहां रहने लगे, वहां सेटल हो गए, 6th सेंचुरी, 6th शताब्दी, 6th सेंचुरी, 6th शताब्दी में, एग्जैक्ट डेट नहीं रहता है, क्या, इन द 6th सेंचुरी, उसके बाद ये एंगल लैंड बन गया इंग्लैंड। तो एंगल वंश से वो रह गया कि एंगल का जो जगह है, तो वो क्या हो गया, एंगल लैंड, क्लियर। इन द 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, याद आया, नॉर्मैंडी जो गॉल में ऊपर में था, राइट, तो क्रॉस द इंग्लिश चैनल विथ एन आर्मी एंड डिफीटेड द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड। तो नॉर्मैंडी आपको याद आया, गॉल में, गॉल क्या था, गॉल ही बाद में फ्रांस बना था,
राइट क्यों बना था, किसके नाम पे बना था, फ्रैंकिश, एक्सेलेंट, फ्रैंकिश ट्राइब वहां आए उसके नाम पे बना, फ्रेंच, यहां पे कौन आया, एंगल्स और सैक्सन्स, एंगल्स ज्यादा थे, एंगल्स का प्रभुत्व ज्यादा था तो एंगल्स के नाम पे बन गया क्या, एंगल लैंड, इंग्लैंड बन गया, क्लियर। और नॉर्मैंडी से, नॉर्मैंडी यहां पे क्या हो गया, फ्रांस हो गया, आज का फ्रांस, राइट। अभी यहां पे पुराने मैप में भी दिखाए थे आपको, यहां पे देखिए यही था गॉल, यहां पे दिख रहा है आपको, हाँ हाँ वही, फिर से दिखाने के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो यही है, ये जो प्रोविंस था दिस वॉज नोन एज नॉर्मैंडी, ठीक है, तो नॉर्मैंडी फ्रांस ही है ना, तो नॉर्मैंडी से यहां इंग्लिश चैनल को, ये इंग्लिश चैनल है राइट, इसको क्रॉस करके इंग्लैंड पे अटैक कर दिया नॉर्मैंडी ने, क्लियर, क्रॉस करके, हाँ पार करके, इधर कैमरा नहीं है ना, अब यहां पे देखते हैं, तो ये समझ में आया, ये आपको इसीलिए यहां पे आए मैप देखने के लिए, तो ये नॉर्मैंडी मतलब ये फ्रांस, तो नॉर्मैंडी से ये इंग्लिश चैनल को पार करके ये क्या किए, इंग्लैंड पे अटैक किए, हाँ, और इसीलिए बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक हमेशा इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई चलते रहती थी, हमेशा इस चीज का असर यही था, क्लियर। ठीक है, नॉर्मैंडी क्रॉस द इंग्लिश चैनल विथ एन आर्मी एंड डिफीटेड द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो सैक्सन किंग्स थे उनको हरा दिया, फाइन। फ्रॉम दिस टाइम फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन एट वॉर बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटरी एंड ट्रेड, तो ट्रेड के कारण और टेरिटरी के कारण दोनों कारण हमेशा क्या होता था, फ्रांस और इंग्लैंड में हमेशा आपने सुना होगा कि लड़ाई होता रहता था, सेवन इयर्स वॉर, इस तरह से लुई, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमेशा सेवन ईयर वॉर्स होता रहता था, क्या अभी क्या बोल रहे हैं, इति का इतिहास यही है, नॉर्मैंडी से अटैक हुआ, नॉर्मैंडी से अटैक हुआ मतलब क्या, फ्रांस का अटैक हुआ, फ्रांस ने अटैक किया इंग्लैंड पे, तो अब क्या होता है, बदला हो गया राइट, और हमेशा टेरिटरी के लिए दो कारण से होता था, टेरिटरी एंड ट्रेड, लड़ाई होता रहता था, कभी वो जीते ये जीते, वो लड़ाई होता रहता था हमेशा, ये तो बॉर्डर डिस्प्यूट है और ये तो रीजनलिज्म वाला है,
हाँ यहाँ देखते हैं, चलिए ये समझ में आया लड़ाई क्यों होता है। सिंपल सा, ये लड़ाई चलता रहता था, सप्तवर्षीय युद्ध, सेवन ईयर वॉर्स, इनके बीच में हमेशा चलता रहा फ्रांस और इंग्लैंड में काफी टाइम तक। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आपने पढ़ा था उस समय भी आपने सुना होगा कि रीजंस में क्या मेंशन किया गया था कि भाई लुई 16 हमेशा वॉर में इन्वॉल्व रहता था क्योंकि फ्रांस का कंडीशन खराब था, बट इवन दो हमेशा वो वॉर में इन्वॉल्व रहते थे तो इसका असर किस पे पड़ेगा, इनकम पे पड़ेगा ही असर, राइट। अब मान लीजिए लड़ाई हुआ, फाइट हो रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, अगर फाइट हुआ हम थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर अगली बार आप थोड़ा आगे बढ़ गए, तो ये लंबा फाइट था, एक ऐसा पूरा फुल फ्लेज्ड वॉर अगर हो जाता तो हो सकता है कि एक पूरा कैप्चर कर लेता, पर ये चलता रहता था हमेशा, क्लियर। और रीजन यही था टेरिटरी एंड ट्रेड। अब ट्रेड के लिए वॉर हुआ, मान लीजिए कि इंग्लिश चैनल से कुछ पार कर रहा है, मेरा तुम लूट लिए, तुम्हारा हम लूट लेंगे, इजंट इट राइट। सामान जो है, शिप जा रहा है, कार्गो जा रहा है, तो वो ले लिए, तो ये क्या होगा, ये डिस्प्यूट होगा, उसके कारण लड़ाई होगा, तो ये चलता रहता था, क्लियर। अब आगे देखिए, विलियम वन हैड द लैंड मैप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्शंस टू 180 नॉर्मन नोबल्स हु हैड माइग्रेटेड विथ हिम। द लॉर्ड्स बिकेम द चीफ टेनेंट्स ऑफ द किंग। अब क्या हुआ, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, कैसे फ्यूडल सिस्टम इंग्लैंड में आया, ठीक है, कैसे फ्यूडल सिस्टम आया। तो ये नॉर्मैंडी अटैक किया, सैक्सन्स को हरा दिया। अब जो विलियम वन था उसने लैंड को मैप कर दिया, मैप करने का मतलब कहां कितना है, कितना उसको डिवाइड किया, तो दैट इज मैपिंग, क्लियर। तो मैपिंग किया उसने और क्या किया, 180 नॉर्मन नोबल्स, ठीक है, नॉर्मन नोबल्स को क्या किया, जो माइग्रेट किए थे उसके साथ, उसको द लॉर्ड बिकेम द चीफ टेनेंट ऑफ द किंग। तो 180 जो नोबल्स थे उनको लैंड डिस्प्यूट, मतलब जितना लैंड है थोड़ा इसको थोड़ा उसको, इस तरह से करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद उसके लॉर्ड्स बन गए, ये जिनको जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया वो लॉर्ड बन गए, क्लियर। अब लॉर्ड बन गए फिर वही क्या हो गया, फ्यूडल सिस्टम शुरू, क्लियर, इंग्लैंड में, क्लियर। एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प। सो द सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस देख रहे हैं हम, राजा ने, राजा मालिक है, राजा ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नोबल्स बना लिया, नोबल्स से एक्सपेक्टेशन क्या है, उस लैंड का कंट्रोल करेगा, टैक्स रेवेन्यू देगा, और फर्दर क्या मतलब उनका टैक्स, और क्या करेगा, मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करेगा। राजा जब भी लड़ेगा तो मिलिट्री हेल्प कौन देगा, नोबल्स देगा, क्लियर। दे वर ऑब्लाइज टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स, और नोबल क्या सप्लाई करेगा, नाइट्स भी सप्लाई करेगा, क्लियर है, यही चीज सिस्टम था फ्यूडलिज्म टू द किंग। दे सून बिगेन टू गिफ्ट सम ऑफ देयर ओन लैंड्स टू नाइट्स, और ये कौन सा सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या नाइट्स को जो लैंड देते थे उसको क्या कहते थे, फीफ कहते थे, वही चीज दिख रहा है ना यहां पे भी, क्या करने लगे, अब ये जो नोबल्स थे ये नाइट्स को भी क्या प्रोवाइड करने लगे, लैंड प्रोवाइड करने, सेम प्रोसेस, गॉट इट। Who would serve them just as they in turn serve the king? और वो उसी तरह सर्व करेंगे knights जिस तरह से nobles king को सर्व कर रहा है। King को कौन सर्व कर रहा है? Noble. Noble को कौन सर्व करेगा? Knight. क्योंकि knights को land किसने दिया? Nobles ने. Nobles ने. Right? They could not, however, use their knights for private warfare, which was forbidden in England. अपना पर्सनल लड़ाई के लिए लेकिन नाइट को यूज नहीं करेंगे, क्लियर। पर्सनल कोई लड़ाई है, हाँ डोमेस्टिक कह लीजिए, आपस में एक नोबल दूसरे नोबल से लड़ लिया, उतना नहीं, उस तरह के लड़ाई को या किसी भी तरह का पर्सनल फाइट है उसमें नाइट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नाइट क्या होगा, कंट्री के लिए है, क्लियर। एंग्लो सैक्सन पेजेंट्स बिकेम टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ लैंड होल्डर्स, और एंग्लो सैक्सन
एंगल्स और सैक्सन्स के जो किसान हैं वो क्या बन गए, वो बन गए कल्टिवेटर्स और वो बन गए टेनेंट्स, ठीक है, टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ लैंड होल्डर्स, गॉट इट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में आया, तो 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी आते आते फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में आ गया। हाँ पूछिए। किराएदार, अभी तो बताए थे इससे पहले, आज शुरू ही किए थे तो बात की है ना कि वो टेनेंट्स हैं। हाँ ठीक है, दो दो तरह के किसान, किस कल्टिवेटर्स को दो कैटेगरी में बांटा, एक क्या है फ्री पेजेंट्स और दूसरा क्या कहा सर्व्स। तो फ्री पेजेंट्स क्या हो गए, वो टेनेंट्स हो गए, ठीक है। तो टेनेंट्स कहने का मतलब उनका अपना जमीन है, जमीन उनका अपना है लेकिन सब लॉर्ड के अंदर। बहुत गप दे रही है, ठीक है, क्लियर है। तो वो एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से रेंट का काम कर रहे हैं, जस्ट हाँ, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब बताइएगा कौन कौन सा दो ग्रुप अटैक किया था इंग्लैंड में, जो आया जो सेटल हो गए, अटैक नहीं, सेंट्रल एशिया से आकर के इंग्लैंड में, सेंट्रल यूरोप से आकर के इंग्लैंड में सेटल हो गए, और सैक्सन्स। परफेक्ट, एक्सलेंट, राइट। और नॉर्मैंडी किस चैनल को क्रॉस किया था, इंग्लिश चैनल, और अटैक किया, तो वो गॉल से आए। गॉल किसका पुराना नाम है, पार्ट था, और फ्रांस का पुराना नाम, पूछे कि आंसर क्या होगा, फ्रांस, ठीक है, गुड गुड गुड, एक्सलेंट। अब बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। फ्यूडलिज्म देख लिया हमने, अब यहां पे देखते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशंस और सोशल रिलेशंस को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट किया, किससे प्रभावित हुआ सोशल, सोशल का मतलब समाज, और इकोनॉमिक, ये किससे 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 प्रभावित हुआ। वाइल मैम आपको पता है कि टू ऑर्डर्स सॉ सोशल सिस्टम एज स्टेबल एंड अनचेंजिंग। दो ऑर्डर के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो फर्स्ट ऑर्डर है और जो सेकंड ऑर्डर है, नोबिलिटी और क्लर्जी, इनके लिए तो सोशल स्टेटस इनका अच्छा, थर्ड स्टेट का सोशल स्टेट सोशल स्टेटस खराब। देयर वर सेवरल प्रोसेसेस विच वर ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम, जो बहुत सारा प्रोसेस था जो सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, चीजों को परिवर्तित कर रहा था, खासतौर पर थर्ड स्टेट का। यहां पे बात कर रहे हैं थर्ड स्टेट, क्योंकि क्लर्जी का स्टेटस एक है, नोबिलिटी का स्टेटस एक है, थर्ड स्टेट जो था वहां पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है देख रहे हैं। सम ऑफ दीज सच एज चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो चेंज आया, ग्रेजुअल एंड ऑलमोस्ट इम्परसेप्टेबल, अदर्स वर मोर ड्रामेटिक लाइक द चेंजेस इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो पर्यावरण में परिवर्तन आएगा वो धीरे धीरे आया, और इम्परसेप्टिबल मींस जिसको आप गेस नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा, तो परसेप्शन मतलब उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो इम्परसेप्टिबल था मतलब परसेप्शन उसका आप नहीं लगा सकते थे। तो हाँ, तो वातावरण परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे हुआ, और इम्परसेप्टेबल था मतलब कैसे परिवर्तन होगा वो तो नेचर ने किया। उसके अलावा लेकिन हाँ, ये देखिए चेंजेस इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी में समय के साथ परिवर्तन आया,
पहले जिस तरह से खेती करते थे, फिर बाद में जिस तरह से खेती करने लगे तो परिवर्तन आया. These in turn were shaped by and had an effect of the social and economic ties between lords and vassals. Let us examine these processes one by one. तो दो चीज हमने देखा, एक क्या है वातावरण में परिवर्तन और दूसरा क्या है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन. वातावरण वाला परिवर्तन imperceptible था, right? वातावरण का परिवर्तन इम्परसेप्टेबल और ग्रेजुअल, और जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में चेंज था वो धीरे धीरे इनोवेशन की तरह होते चला गया. क्या अब इसका असर कैसे पड़ा संबंधों पर, सामाजिक संबंधों पर और इकोनॉमिक कंडीशन पे, वो बात करें. पहला क्या है एनवायरमेंट. फिफ्थ से टेंथ सेंचुरी के बीच यूरोप जो है पूरा जंगल था, ठीक है. फिफ्थ से टेंथ सेंचुरी के बीच एनवायरमेंट में क्या है फॉरेस्ट है, ठंड बहुत ज्यादा, द लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर वॉज लिमिटेड. सारा जंगल रहेगा तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड बहुत लिमिटेड था, बहुत कम था खेती करने के लिए. पेजेंट्स डिससैटिस्फाइड विद देयर कंडीशंस कुड फ्ली फ्रॉम ऑपरेशन एंड टेक रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट. अब कोई बहुत परेशान हो गया, मान लीजिए कोई सर्फ है या पेजेंट है, लॉर्ड से बहुत परेशान हो गया, क्या करता था भाग गया, भाग करके जंगल में चला गया. जंगल तो घने वास्ट है, वहां कौन जा रहा है, जंगल में चला गया. क्या भाग गया? हाँ, भाग के चला गया जंगल में. क्या आप परेशान है बहुत, आपको लग रहा है कि अब तो इससे अच्छा हम कहीं यहां से निकल जाएं, आप भाग गए जो जगह मिला. अब जंगल में तो आपको ढूंढने नहीं आ रहा है, अब जंगल में आप कुछ भी कीजिए, पेड़ काटिए, वहां भी अपना खेती करना शुरू कर, वहां तो देखने को आ नहीं रहा है. तो वही चीज है. तो जो किसान बहुत डिससैटिस्फाई हो जाते थे वो क्या करते थे, शरण ले लेते थे. रिफ्यूज मतलब शरण ले लिया, कहां पे, जंगल में शरण ले लिया. यूरोप वॉज अंडरगोइंग एन इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट स्पेल इन दिस पीरियड. और इस समय यूरोप बहुत ठंडा था, आज भी ठंडा है बट उस समय बहुत बहुत ज्यादा ठंडा था, ठीक है. अब बहुत ठंडा था तो सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स रहता था और ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा था, ठीक है. तो ग्रोइंग सीजन समर में ही था, तो ग्रो करने का सीजन बहुत कम होता था, प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स होता था. ये समस्या फॉर क्रॉप्स एंड रिड्यूस्ड यील्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो वातावरण जो था ना एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं था. एग्रीकल्चर तो करते थे, प्रोडक्शन बहुत हो नहीं पाता था क्योंकि वातावरण ही सूटेबल नहीं था. क्लियर? तो क्या क्या देखा हमने कि जंगल पूरा वास्ट फॉरेस्ट से कवर्ड था फिफ्थ से टेंथ सेंचुरी. सेकंड, जो क्लाइमेट था, जो टेम्परेचर था वो बहुत कम था, बहुत ठंड रहती थी और इतना ठंड रहने के कारण ग्रोइंग सीजन बहुत कम टाइम के लिए था और उस टाइम में जो क्रॉप ग्रो करते थे तो प्रोडक्शन भी ऑब्वियस सी बात है कम होगा. क्लियर? लेकिन 11th सेंचुरी के बाद परिवर्तन आया. जब से हम फ्यूडलिज्म की बात कर रहे हैं तब के समय से इस एनवायरमेंट में परिवर्तन आया. यूरोप एंटर्ड अ वार्म फेज, एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया विच हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ा तो एग्रीकल्चर पे भी असर पड़ा और प्रोडक्शन भी बढ़ा, isn't it? Which had a profound effect on agriculture. Peasants now had a longer growing season. तो जब गर्म हुआ तो ग्रोइंग सीजन भी बढ़ा, अब ज्यादा उगा सके, ठीक है. तो ज्यादा उगा सके तो बेनिफिशियल होगा ना, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी तो सही होगा. क्लियर? एंड द सॉयल नाउ लेस सब्जेक्टेड टू फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होता है, पाला पड़ना, ठंड का बर्फ जो पूरा, हाँ हाँ वही, तो पूरा उससे तो बच जाता था. क्लियर? कुड बी मोर इजली प्लाउड, खेती भी करना मतलब प्लाउ करना आसानी था, मतलब खेत को जोतना आसान हो गया. क्या? हाँ, हल से ही, प्लाउ से ही जोतते थे, बिल्कुल सही. एनवायरमेंटलिस्ट historians have noted that there was a significant receding
ऑफ द फॉरेस्ट लाइन इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। और जैसे जैसे ऐसा हुआ तो लोगों को लगा और खेती करें, और फॉरेस्ट भी कटते चला गया, और फॉरेस्ट कटने के बाद उस लैंड में क्या किया जाने लगा, एग्रीकल्चर किया जाने लगा, प्रोडक्शन बढ़ा। तो एक्सपेंशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टिवेशन पॉसिबल, क्या तो एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन मतलब जितना खेती कर रहे हैं जितना एरिया में, और ज्यादा एरिया में खेती करना है तो क्या करेंगे, जंगल को काट देंगे और वहां जंगल काट के वहां पे खेती करेंगे। क्लियर, जंगल साफ किया, खेती करना शुरू। हाँ, नाउ नेक्स्ट, अब बात करें दूसरी चीज, लैंड यूज। फर्स्ट हमने देखा एनवायरनमेंट बेटर हुआ, प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट बेटर कहने का मतलब गर्म हुआ क्योंकि वो बहुत ठंडा था। अब यहां पे देखें लैंड यूज सेम पॉइंट से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वॉज वेरी प्रिमिटिव, पुराना तरीका था उगाने का पहले। द ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल टू द पेजेंट वॉज द वुडन प्लाउ। जो मैकेनिकल एड था, पुराना तरीका से उगाया जाता था, मैकेनिकल एड क्या था, लकड़ी का हल, राइट। प्लाउ जो होता था वो लकड़ी का होता था, वो परिवर्तित हो गया ड्रॉन बाय अ टीम ऑफ ऑक्सन, बैलों से। वही प्रोसेस था। हाँ बोलिए। हाँ धीरे धीरे होने लगा। हाँ केमिकल फर्टिलाइजर, खाद क्या होता है, कोई जरूरी थोड़ी है केमिकल फर्टिलाइजर, गोबर है, हो गया, पत्ता वत्ता है वो भी सड़ गया, कंपोस्ट बन गया, बिल्कुल। हाँ वो ह्यूमस बनाता है सॉइल में। दिस प्लाउ कुड एट बेस्ट स्क्रैच द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड वॉज अनेबल टू फुल्ली ड्रॉ आउट द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो ये जो लकड़ी का प्लाउ होता था, अपर लेयर थोड़ा सा केवल कर पाता था, बहुत ज्यादा नहीं कर पाता था, तो नेचुरल प्रोडक्टिविटी ला नहीं पाता था। तो एग्रीकल्चर वॉज देयरफॉर वेरी लेबर इंटेंसिव, बहुत मेहनत करना पड़ता था। फील्ड्स हैड टू बी डग बाई हैंड, तो हाथ से भी क्या करना पड़ता था, डक खोदना पड़ता था। ऑफन वंस इन फोर इयर्स एन एनॉर्मस मैनुअल लेबर वॉज रिक्वायर्ड, तो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव था। क्या लेकिन फिर क्या हुआ, एन इनइफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वॉज इन यूज। दूसरा परेशानी क्या है, क्रॉप रोटेशन का मेथड नहीं था। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, बदल बदल के क्रॉप लगाना। फायदा क्या होता है इसका, एक ही क्रॉप लगाएंगे तो वो क्रॉप जो न्यूट्रिएंट्स लेगा वो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट लेता चला जाएगा। अब एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगाएं तो वो अलग न्यूट्रिएंट लेगा, इजंट इट। तो क्या, और इसका जो लॉस हुआ है वो प्लांट फुलफिल कर देगा, इजंट इट। तो इससे क्या हो गया, उर्वरता जो है, फर्टिलिटी सॉइल का, वो बढ़ा रहेगा, इजंट इट। तो लेकिन उस समय क्या था, क्रॉप रोटेशन का मेथड नहीं, लोग ऐसे ही खेत जोत रहे हैं और क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। द लैंड वॉज डिवाइडेड इन हाफ, वन फील्ड वॉज प्लांटेड इन ऑटम विथ विंटर वीट वाइल द अदर फील्ड वॉज लेफ्ट फैलो। तो मेथड क्या था कि जैसे यहां खेती किए और इस खेत को खाली छोड़ दिए, फैलो छोड़ दिए, परती छोड़ दिए, हाँ छोड़ दिए, और उसके बाद फिर यहां उगा लिए, अब उसमें उगा लेंगे, फिर इसको परती छोड़ देंगे, इस तरह का मेथड होता था। पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था। क्लियर, फैलो लैंड द नेक्स्ट ईयर व्हाइल द अदर हाफ वाज पुट टू फैलो। विद दिस सिस्टम द सॉइल स्लोली डिटोरिएटेड एंड फेमीन्स वर नॉट अनकॉमन, और इसके कारण अकाल पड़ना कॉमन था। ठीक है, क्योंकि सही नहीं हो रहा है तो उर्वरता चली गई तो क्रॉप नहीं होगा, क्रॉप नहीं हुआ तो क्या हो गया, फेमीन आ गया। फेमीन का मतलब भूखमरी, राइट, और अकाल, गॉट इट। तो डग कहां थे हम लोग, डिटोरिएट कर रहा है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। अब आपको भोजन नहीं मिलेगा प्रॉपर तो क्या होगा, कुपोषण के शिकार होंगे आप, इजंट इट। तो यहां पे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन ऑल्टरनेटेड विथ डिवेस्टेटिंग फेमीन्स एंड लाइफ वॉज डिफिकल्ट फॉर द पुअर। तो मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, भुखमरी हो रही है, इजंट इट, ये कॉमन था। डिस्पाइट दीज हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब ऐसा कंडीशन आपके पास
क्लियर। तो हार्डशिप मतलब आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा मतलब तंगी का कंडीशन, आपके पास बेसिक लाइवलीहुड को फुलफिल करने के लिए भी पैसा नहीं है, तंगी है, तो हार्डशिप का कंडीशन था। और द लॉर्ड्स वर एंग्शियस टू मैक्सिमाइज देयर इनकम्स, लोग परेशान है, हार्डशिप में है और लॉर्ड चिंता कर रहे हैं कि कैसे हम अपना इनकम बढ़ाएं। तो इनकम कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स लगा के, एक तो वो मर रहा है वैसे ही, ऊपर से कहां से देगा। क्लियर। सिंस इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम द लैंड, द पेजेंट्स वर फोर्स टू ब्रिंग अंडर कल्टिवेशन ऑल द लैंड इन द मेनोरियल स्टेट। तो मेनोरियल स्टेट में अब मान लीजिए वुडलैंड भी होता था, मार्शी प्लेस भी होता था, सबको कल्टिवेशन में लाना मतलब लैंड को बढ़ा दिया गया। क्लियर। काम बढ़ाया गया, लैंड बढ़ाया गया, एंड स्पेंड मोर टाइम डूइंग दिस देन दे वर लीगली बाउंड टू डू। तो लीगली मान लीजिए जैसे कहा कि तीन दिन रखना पड़ता था, तीन दिन काम करेंगे, इतना काम करेंगे, अब तो काम बढ़ जाएगा ना, पहले इतना एरिया में काम करते थे, उतने ही लोग हैं, और ज्यादा बड़ा एरिया, एरिया बढ़ाया गया तो काम बढ़ गया उनका। द पेजेंट्स डिड नॉट बाउ क्वाइटली टू ऑपरेशन, ऐसा नहीं कि वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भाई ठीक है हम और काम करेंगे, इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। तो यहां पे हम देख रहे हैं सामाजिक स्थिति बदल रही है, लोग प्रोटेस्ट भी करने लगे, isn't it? They could not protest openly, they resorted to passive resistance. ठीक है, passive resistance क्या हो गया, they spent more time cultivating their own fields and kept much of the product of that labor for themselves. They also avoided performing unpaid extra services. तो passive resistance क्या है, एक हुआ resistance, तो सीधा लड़ना शुरू कर दिए, विरोध करने लगे, और दूसरा हो गया पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सीधे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे, ठीक है, जाके फील्ड में बैठ गए, काम इतना करना है, काम कर ही नहीं रहे, तो उस तरह का रेसिस्टेंस, अपने यहां ज्यादा काम कर रहे हैं, यहां लेबर नहीं देते थे। क्लियर। हाँ, पैसिव रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉर्ड्स ओवर पैश्चर एंड फॉरेस्ट लैंड। पैश्चर के लिए और फॉरेस्ट लैंड के लिए ये लोग का कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हुआ। सॉ दीज लैंड्स एज रिसोर्सेज टू बी यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी, व्हाई द लॉर्ड्स ट्रीटेड दीज एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जैसे जो जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, तो इन्होंने कहा कि ये कम्युनिटी का प्रॉपर्टी होगा, हम सब कम्युनिटी का प्रॉपर्टी मतलब सबका, पर लॉर्ड उन सब चीजों को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी मानता था। गॉट इट। नाउ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, थर्ड थिंग, कि नया एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी क्या आया, तो इसको खाली कर देते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो नया एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में वहां पे क्या कर रहा था, वुडन प्लाउ, अब हैवी आयरन टिप्ड प्लाउज आ गया, ठीक है। तो वुडन प्लाउ से अब लोहे का प्लाउ आ गया, तो अच्छे से वो खेत जोत सकता था। मोल्ड बोर्ड्स, जो मोल्ड करने के लिए बोर्ड लकड़ी का, वो आ गया टाइल करने के लिए। प्लाउज कुड डिग मच डीपर एंड द मोल्ड बोर्ड्स टर्न द टॉप सॉयल प्रॉपरली, तो वो टॉप सॉयल को प्रॉपरली मूव कर सकते थे। विद दिस द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल वर बेटर यूटिलाइज, तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स था उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सका। द मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग एनिमल्स टू द प्लाउ इंप्रूव्ड, इंस्टेड ऑफ द नेक हार्नेस द शोल्डर हार्नेस केम इन टू यूज। पहले क्या था, गर्दन पे लगता था हार्नेस, ठीक है, जानवर है अगर बैल है तो यहां पे लग गया, तो अब ज्यादा दबेगा तो वह नहीं कर पाएगा, अब शोल्डर पे आ गया, राइट right? तो शोल्डर पे आ गया तो पोटेंशियल भी बढ़ा हार्नेस। क्लियर। दिस इनेबल्ड एनिमल्स टू एक्सर्ट ग्रेटर पावर, ज्यादा पावर लगा सकते थे। हॉर्सेज वर नाउ बेटर शॉड With iron horseshoes, which prevented foot decay. अब लोहे का क्या हुआ, horseshoe आ गया, तो हाँ नाल जो होता है घोड़े का, क्लियर, तो वो उससे क्या हो गया, उनका पैर भी नहीं खराब हो रहा है घोड़ों का, और प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, क्लियर। फिर क्या हुआ, विंड और वाटर एनर्जी को यूज किया गया, मतलब विंड पावर्ड मिल आ गया, वह सेटअप ऑल ओवर यूरोप फॉर पर्पसिंग लाइक मिलिंग कॉर्न एंड प्रेसिंग ग्रेप्स। तो हाथ से जो कर रहे हैं,
अब विंड से के पावर से क्या कर रहे हैं, मिल कर रहे हैं, ग्रिंड कर रहे हैं, या वाटर के पावर से. तो ये बेनिफिट हुआ. देर वर ऑल्सो चेंजेस इन लैंड यूज. द मोस्ट रेवोल्यूशनरी वन वॉज अ स्विच फ्रॉम अ टू फील्ड टू अ थ्री फील्ड सिस्टम. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे टू फील्ड सिस्टम, मतलब एक में उगा रहे हैं, एक को खाली छोड़ रहे हैं, क्लियर. फिर उसमें उगा रहे हैं, इसको खाली छोड़ रहे हैं. तो इसमें यूटिलाइज, अब ये थ्री फील्ड सिस्टम हो गया. एक में उगा रहे हैं, दो खाली, फिर उधर से रिप्लेस कर रहे हैं. तो इस तरह से रोटेशन बढ़ गया और न्यूट्रेंट्स ज्यादा कंजर्व रहा, क्लियर. फिर क्या है, इन दिस पेजेंट्स यूज अ फील्ड टू इयर्स आउट ऑफ थ्री. If they planted it with one crop in autumn and a different crop in spring a year and a half later, that meant that farmers could break their holdings into three fields. So, अपने holding को तीन खेत में वो break कर सकते थे. और क्या है, अलग अलग crop भी उगाने लगे. तो जैसे मटर का या ग्राम का, इन सब में ये सब क्या करता है, nitrogen fixation करता है, ठीक है. तो नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ा देता है सॉइल में, क्लियर. तो ये फायदा था. तो दे कुड प्लांट वन विथ वीट और राई इन ऑटम फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब इसे क्या हो गया, और एक्स्ट्रा क्रॉप भी उग रहा है और सॉइल का फर्टिलिटी भी बच रहा है. टू रेज पीज, बीन्स एंड लेंटिल्स फॉर ह्यूमन यूज एंड ओट्स एंड बार्ली फॉर द हॉर्सेज, और ओट्स और बार्ली घोड़ों के लिए. द थर्ड फील्ड ले फैलो, और तीसरा फील्ड को फैलो रख दिया. Each year they rotated the use among the three fields. तो ये सारे improvement से क्या हुआ, food का production बढ़ गया, clear? अब food availability doubled, ठीक है, next class में करेंगे, ठीक है, चलिए.